हेलो जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी में आप अपने प्लांट्स की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा वीडियो पे पहुंचते हैं। सबसे पहली ट्रिक, आप इस तरह से ग्रीन नेट लगा सकते हैं। इससे जो है ग्रीन नेट से जो है धूप से काफ़ी बचत है। तो एक बार पैसे लगेंगे लेकिन ये 4 से 5 साल तक कहीं नहीं जाती। मेरी एक ग्रीन नेट को 4 साल हो चुके हैं और दूसरी मैंने इस बार ही नहीं ली है। उसके बाद सेकेंड जो है आप इस तरह से मल्च कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया था कि आप इस तरह से मल्चिंग कीजिए प्लांट्स की। इससे क्या होगा, मल्चिंग करने से जो है मॉइस्चर नहीं उड़ेगा, इवेपोरेट नहीं होगा और प्लांट्स जो है वो लंबे टाइम तक बने रहेंगे आपके गार्डन में। तो थर्ड जो है, आप हार्डी प्लांट्स लगाएं जैसे कि बैंगन, कोचिया, शिमला मिर्च, लालटेना। ये जो है मिली बग्स और गर्मी की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश होगी ये दोबारा से ग्रीन हो जाएगा। बेजिल और हिबिस्कस, ये सभी प्लांट्स गर्मी की वजह से ऐसे हो चुके हैं। ये सीजनल प्लांट्स हैं, देखिए इनका मैं कुछ नहीं कर सकती, ये जाएंगे तो जाएंगे ही। मैंने सेव करने की बहुत कोशिश की लेकिन टेम्परेचर ही इतना इंक्रीज हो गया कि ये नहीं बच पाए, तो मैंने सिर्फ इसको रख रखा है। अदरवाइज एक स्पेशल टिप आपको और दे रही हूँ, अगर आपके पास कोई भी प्लांट नहीं है तो आप इस तरह से मिट्टी फिल करके रख दीजिए, तो क्या होगा, अपने आप कोई ना कोई प्लांट उगेगा, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे सीड्स होते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई प्लांट उगता है। और जी नेक्स्ट जो मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, गर्मियों में आप कोई भी जो है वाइन वगैरह नहीं लगाएं। मैं हरियाणा में रह रही हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई है, कोई भी वेल ग्रीन नेट के नीचे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ये देखिए इसके पत्ते ही तो ग्रीन है लेकिन इसके ऊपर ना तो कोई फ्लावरिंग हो रही है और ना ही कोई फ्रूटिंग इसकी कन्वर्ट होगी। तो आप जो है बिल्कुल सोच समझ कर प्लांट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि आपका ज़्यादा खर्चा भी ना आए और आपको अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी मिल जाए। तो आप किसी भी वेल वर्गीय सब्जी के साथ ना जाएं, आप बैंगन और मिर्च लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप अपने गार्डन में हार्डी प्लांट्स ऐड कीजिए, जैसे कि ये सदाबहार। ये सारे सदाबहार देसी वैरायटी के हैं क्योंकि जितने भी हाइब्रिड वैरायटी है उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं चल पाते और इस तरह से जो है वो जल जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा हाइब्रिड सदाबहार का प्लांट था जिसकी पत्तियाँ देखिए कैसे क्रश हो रही हैं। तो आप हार्डी प्लांट्स के साथ जाएँ, जैसे कि मैक्सिकन पिटूनिया, इसको आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसके ऊपर पर्पल कलर के बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। और उसके बाद जी आप जा सकते हैं रियो के साथ, रियो प्लांट भी काफ़ी अच्छा चलता है। अभी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसा हो गया लेकिन ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। आप रेन लिली लगा सकते हैं जो कि बारिशों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको देगी। नेक्स्ट आप पोर्चुलाका लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए ये पुराने वाले पोर्चुलाकास हैं, पिछले साल वाले, और कितनी अच्छी इनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। ये गार्डन में काफ़ी अच्छा कलर ऐड करते हैं, तो आप पोर्चुलाका लगा सकते हैं, पर्पल हार्ट लगा सकते हैं, ये भी गार्डन में अच्छा परफॉर्म करती है। आइए आपको और दिखाती हूँ पोर्चुलाका के कलर्स। तो आप इस तरह से वाइट वाली जो पोर्चुलाका है वो भी लगा सकते हैं। ये जो है व्हाइट पोर्चुलाका या पिंक, कोई भी कलर है, कटिंग से बहुत इजीली चल जाता है। तो आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या पार्क वगैरह से कटिंग्स भी इनकी लेके लगा सकते हैं। इसी तरह से है जी पर्सलिन, ये वाला, इसके ऊपर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मैं आपको पिछली वाली क्लिप ऐड कर दूंगी, तो इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आप इनको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं और आप इस तरह से जो है मटकियों में भी इनको लगा सकते हैं। सो और जो प्लांट्स हैं गर्मियों के सब्जियों के, उसमें आप भिंडी लगा सकते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको, भिंडी अच्छी चल रही है, भिंडी अच्छी चल रही है, लेकिन और जो प्लांट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं है। जैसे कि ये देखिए जी पेठे की वाइन, तो सभी को मैं अभी छाया नहीं कर सकती, तो मैं बस सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि इसको खींच के थोड़ा सा इधर को कर दूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि मैंने पूरे में ग्रीन नेट लगा रखा है। फिर भी जो है गार्डनिंग में कुछ ना कुछ इश्यूज गर्मियों में आते ही हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है आप इस तरह से यूफोबिया मिली लगा सकते हैं, ये वाला, ये देखिए इसके फ्लावर्स काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं और काफ़ी हार्ड फ्लावर्स इसके ऊपर आते हैं। ये भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, तो आप इस तरह से अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं गर्मियों के लिए। ज़्यादा सेंसिबल और ज़्यादा महंगे पौधे अपने टेरेस के ऊपर ना लगाएं।
तो कैसी लगी जी वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने पौधों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय।